केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अफसरों के साथ शहर की विकास योजनाओं की समीक्षा उन्होंने की। बता दें, समीक्षा का उद्देश्य शहर की विकास योजनाओं को गति देना है। वर्तमान में शहर की विकास योजनाएं चल रही है, इसीलिए सिंधिया उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे सभी प्रोजेक्ट समय से पूरे हो सके। मंत्री सिंधिया ने कहा कि आने वाले 8-9 महीने में ग्वालियर की तस्वीर बदलती दिखेगी, जिसमें मई के महीने में जहां स्मार्ट सिटी के कार्य को पूरा करने के प्रयास किए गए, तो वहीं महाराज बाड़े के सौंदर्य के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वाड़े पर सीमेंटेड फर्श से सही लॉन बनाकर हरियाली बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, जैसे रात में जिस तरह लाइटिंग के कारण महाराजा वाड़ा जगमगाता दिखाई देता है, वैसे ही दिन में भी महाराज बाड़े की रंगत निखारी जा सके। इसके साथ ही म्यूजियम में महिला स्वयं सहायता समूह को भी एक अलग से स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो यहाँ अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार कर सके। ये कार्यक्रम आने वाले 8-9 महीनों में पूर्ण रूप से तैयार हो जाना चाहिए, ताकि इस भव्य बाड़े का लोकार्पण किया जाए। रात की लाइटिंग ऑलरेडी बहुत सुंदर हो चुकी है, पर अब दिन में भी वो सुंदरता दिखनी चाहिए। पांचवा हमारा प्रोग्राम था गवर्नमेंट प्रेस का। अब वहाँ करीब 30-40% कमरे खाली हो चुके हैं सरकार के, बाकी सब भी खाली हो रहे हैं। और वहाँ इंडस्ट्रियल म्यूजियम हम लोग स्थापित करने वाले हैं। ग्वालियर की इंडस्ट्री की बहुत पुरानी इतिहास है, चाहे वो जेसी मिल हो, चाहे कारपेट का उद्योग हो, चाहे हम लोगों की ग्वालियर पॉटरीज हो।